गाइस आज हम वापस आए हैं ओमकार एसेसरीज पे। और मोहित भैया, पहले तो देखो एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा। नीचे बहुत सारे कमेंट आते हैं कि फलाना ढिमकाना की गाड़ी में भी आपने लाइटें लगाई थी, तो हम उसकी कॉपी कर रहे हैं। ठीक है, किसकी कॉपी कर रहे हैं? मतलब नाम लेते हैं, अब क्या ही नाम लो, आपको भी पता है किसकी कॉपी कर रहे हैं। मतलब लोग कह रहे हैं कि हम उसकी कॉपी कर रहे हैं अपनी स्विफ्ट को, वैसा कॉपी क्यों करेंगे? स्विफ्ट को वैसा लगाने वाला मैं हूँ, बिल्कुल कॉपी क्या करेंगे? इंडिया में लाइट ही पहले सबसे पहले मैंने लगाई है, और कॉपी दुनिया हमारी करती है, हम किसी की कॉपी नहीं करते। आपके पास दुकान पे लाने वाला कौन था लाइट लगाने के लिए? मैं ना, और दुनिया को क्या लग रहा है कि मैं कॉपी करवा के सारे काम करवा रहा हूँ। एनीवेज भाई, देखो हम लोग इसमें कम बोलेंगे। अच्छा मुझे ये बताओ, अपनी लाइट तो ओनली वन इन इंडिया थी पहले, है ना? जिसको जो सोचना है वो सोचे। अब आज साइड वाले फोल्डिंग मिरर्स हैं इसमें। देखो मेरी बात सुनो, सोचने वालों ने तो मेरे को, मैं अभी ज्यादा कमेंट पढ़ता नहीं, मेरे को आदत नहीं है कमेंट वमेंट पढ़ने की। ठीक है, लोगों ने तो मेरे बारे में कह दिया ओमकार शराब पी के खड़ा है, अरे हमारे बाप ने आज तक सुपारी नहीं खाई, हम जैन आदमी है। ठीक है, आज जितनी उम्र है ना, सुपारी तक नहीं खाई, सिगरेट शराब तो बहुत दूर की बात है, हमारे खानदान में किसी ने नहीं लिया ये सब कुछ। बिल्कुल, तो भाई एक चीज है, बोलने वाले तो बोलते रहते हैं। बंदे रात को 3-4 बजे तक काम करेंगे तो भैया वही बात है कि थकावट तो हो ही जाती है ना, उसके बीच में वही लिखना है जिसको लिखेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने राहुल की वीडियो में कह दिया था मैंने लाइट वहाँ भेजी है, तो लोगों ने वो भी कह दिया था अरे कोई नहीं भेजी, तो उसको प्रूफ थप्पड़ मार के दिखा दिया था। बिल्कुल, तो मोहित भाई आप चलो, अपनी लाइट तो थी नंबर वन इन इंडिया, ऐसी और किसी में लगी, साइड फोल्डिंग मिरर्स में आज आप ऐसा क्या करने वाले हो कि आज तक हुआ ही नहीं इस गाड़ी में? भैया देखो, साइड मिरर में हम 3-4 काम करेंगे। ठीक है, साइड मिरर एक तो सबसे पहली बात ब्रांड नहीं होंगे। ठीक है, अच्छी दिखा दूंगा, बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, आपको भी, आपके सब्सक्राइबर को भी और जनता को भी प्रूफ के साथ दिखा दूंगा। बिल्कुल, और ये साइड मिरर नई वाली स्विफ्ट के हैं। बिल्कुल, और इनकी खुलने की पावर और फास्ट है। सो गाइस, बेसिकली फेसलिफ्ट वाले मॉडल वाले लगने वाले हैं ना, जो स्विफ्ट लॉन्च नहीं हुई वो वाले लगने वाले हैं। और कोई पेंट करा हुआ नहीं होगा। बिल्कुल, अच्छा ये अपना एक मॉडिफिकेशन का मार्केट है यहाँ पे दिल्ली में ही पास में, आपको पता होगा जहाँ पे बहुत सारी वीडियोस बनती है, तो उसमें साइड फोल्डिंग मिरर्स लगा रहे हैं भैया। अच्छा, तो वो कह रहे हैं कि वो ओरिजिनल लगा रहे हैं पर वो काम नहीं कर रहे, तो उसमें है कुछ ऐसा, मतलब पता है आपको क्या? ओरिजिनल लगा रहे हैं, काम नहीं कर रहे। हाँ, मतलब वो बोल रहे हैं कि हम लोग ओरिजिनल लगा रहे हैं पर वो काम करने बंद कर देते हैं। तो नए होंगे ना, हाँ, कभी काम करना बंद नहीं करेगा। बिल्कुल ठीक है, पुराने ही होते हैं जब भी काम करना बंद करते हैं। बिल्कुल, मेरे पास दुनिया के फोन आते हैं, भैया हमने यहाँ से लगाया और दुनिया की वीडियो बना रखी है मैंने। बिल्कुल, अभी डालूंगा अपने चैनल पे, डालने वाला हूँ एक बंदे की वीडियो, और लगवा के लाया था बेचारा, फिर बेचारे ने मेरे से लगवाए। बिल्कुल ठीक है, और चलो आज आपको आपके साइड मिरर पूरे इंस्टॉल करके दिखा दूंगा। चलो सो गाइस, साइड मिरर इससे ज्यादा और क्या चाहिए होगा, पूरा ऑपरेशन करके दिखा दूंगा। अगर यूज्ड हुए ना तो क्या बोलूं, आपकी जूती मेरा सर। सो गाइस, इतनी बड़ी बात मोहित भाई ने कह दी। अच्छा मोहित भाई, एक चीज और कर दो आज, ये बता दो कि रेट क्या लगा रहे हो आप, क्योंकि रेट मार्केट में बहुत ज्यादा चल रहे हैं हमसे ज्यादा, और हमसे सस्ता कोई नहीं है। बिल्कुल, तभी तो रेट पूछे मैंने आपसे। भैया देखो, ऐसा है VXI मॉडल स्विफ्ट का, डिजायर का और सियाज का, ठीक है, मैंने अपने चैनल पे 4300 रुपए कर दिया था। ठीक है, नए सामान का। ठीक है, अगर कोई प्रूफ कर दे ओमकार पुराना लगा रहा है तो ये दुकान देख लो। सो गाइस, ओमकार एसेसरीज आपको पता ही होगा इसके नाम है। सो गाइस, इससे बड़ा क्या हो सकता है? वो 4300 रुपए में था, और नए LXI LXI डिजायर, LXI स्विफ्ट वैगनार 10,000 रुपए रेट कर दिया ओमकार ने, 10,000 रुपए खुला रेट। सो गाइस, देख सकते हो भाई, ऐसे रेट आपको कहीं नहीं मिलेंगे, और किसी को गारंटी दे रहा हूँ, किसी को कहीं मंगवाना हो मैं प्लग एंड प्ले सिस्टम करके भेज दूंगा, सिर्फ सॉकेट को सॉकेट चलाना है। बच्चे तो अब लगा रहे हैं साइड मिरर, जब लगाए थे पता नहीं कितने कोरियर कर दिए, कितने कोरियर कर दिए, अनगिनत कोरियर कर दिए। अच्छा मोहित भाई, साथ साथ ये और बता दो, इनकी वारंटी कुछ देते हो आप? भैया साइड मिरर की कभी कंपनी भी वारंटी नहीं देती। नहीं देती, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जब मैं ऐसा है गुडविल में बता दो कि भाई हाँ कुछ दिक्कत हो जाए तो, जो चीज प्रैक्टिकल है ना उस पे जाओ। ठीक है, ये साइड मिरर जब खराब होता है जो ऐसे फूकता है ये। अच्छा ठीक है, कोई मार के चले जाता है उसको, कोई स्पीड पे लग गया तेज से, ठीक है ऐसे लग गया, ठीक है तो ये जब खराब होगा आपका। तो गाइस, मोहित भाई दिखा दिया कैसे खराब होता है, हाथ से 10-15 बारी बंद करने के बाद खराब हो जाएगा। अगर साइड मेरा पुराना होगा तो ज्यादा नहीं चलेगा आपका। ठीक है, और अभी आपको दिखा दूंगा साला प्रूफ कैसे होता है नया पुराना। इस मोहित भैया ने अब खुला चैलेंज दे दिया है कि दिखाएंगे कि भाई जेन्युइन क्या होते हैं और डुप्लीकेट क्या होते हैं, नए क्या होते हैं। बिल्कुल, बच्चों को भी दिखा दिया था। बिल्कुल, सो गाइस यहाँ पे है, मैंने बता दिया कि फर्स्ट टाइम क्या होने वाला है इसमें,
फेसलिफ्ट के लगेंगे इसमें, बहुत ज़्यादा उससे फास्ट रहेंगे और जो अपनी साउंड है मोटर की वो बहुत ज़्यादा कम आएगी। एंड पहले क्या होता है, साउंड आएगी नहीं बिल्कुल, सो गाइस बिल्कुल साउंड नहीं आएगी ये लोग, साउंड आएगी नहीं सर। और एक चीज़ और कि भैया हमेशा एक मिरर जो होता है वो थोड़ा धीरे चलता है ना, एक तेज चलता है, वो प्रैक्टिकली होता है, वो मतलब हर एक गाड़ी में होता है, बलिनो में भी होता है मेरे, वो बोल रहा हूँ हर गाड़ी में होता है। बट जो अपने नए वाले ये आए हैं इसमें आपको नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आएगा, बट हाँ मिली सेकेंड में कुछ हो सकता है ना फास्ट में थोड़ा। सो बेसिकली फेसलिफ्ट में ये नए आए हैं, मैंने आपको बता दिया है, अब भैया से बोलूंगा मेरे को दिखाएं और फिर हम इंस्टॉल करवाते हैं। अपना साइड मिरर है भाई वो उतर चुका है बेसिकली, एंड ये देख सकते हो LH माने लेफ्ट हैंड साइड का जो होता है साइड मिरर होता है। और मुझे भी किसी काम के बचते हैं नहीं, नहीं नहीं भैया ये तो इसका हर चीज़ अलग है। हाँ। देखो आपको दिखा देता हूँ, देखो ये दारू वारू नहीं पी रखी मैंने दारू देख रहो, इसकी टुकड़ी भी अलग होती है, इसको टुकड़ी बोलते हैं, ये अपनी एडजस्टेबल होती है, ये बिल्कुल अलग होती है, किसी काम की नहीं होती, नहीं होती, तो ये बॉडी भी काम में नहीं आती कुछ भी काम। और ये साइड का ये तो फ्रेम तो लगेगा ही दूसरा, फ्रेम है ना। सो गाइस ये पूरा काम का नहीं है भाई, यूजलेस हो चुका है ये, जैसे कि मोहित भाई ने बताया है, और ये देख सकते हो लगवाने के लिए। सो गाइस यहाँ पे जो अपनी गाड़ी है उसके दोनों तरफ के साइड फोल्डिंग मिरर्स हैं वो खुल चुके हैं। अब मोहित भाई मेन काम हो चुका है, हाँ वायरिंग कर दी हमने, वायरिंग कर दी है, इसके बाद कितनी देर काम रहता है भैया? इसमें टाइम लगता है, कितना लगता है? एक डेढ़ घंटा लग जाता है तो यही बताओ भैया, हाँ तसल्ली वाला काम बिल्कुल। सो गाइस भैया ने बताया एक डेढ़ घंटा, बट मैं अगर वो एक डेढ़ घंटे में ज़्यादा। एनीवेज गाइस भाई इसमें वायरिंग हो चुकी है, अपने साइड फोल्ड के मिरर खुल चुके हैं, अब जो है साइड फोल्डिंग मिरर लगेंगे और अंदर मैं दिखाऊंगा जिस चीज़ की हम लोग आपसे बात कर रहे थे। और आ जाइए किया सेल्टोस, तो इस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और मैं आपको बताऊंगा क्या कुछ सीन है, भाई आए मेरठ से। तो एनीवेज गाइस मैं इसमें शुरू करो काम। ये रहा आपके इंडिकेटर, ठीक है, ये 100% जेन्युइन है और 100% नए लुमेक्स कंपनी के आते हैं, ठीक है, ठीक है, चेक कर लो। सो गाइस ये देख सकते हो आप, यहाँ पे स्क्रू कस जाएगा, निशान आ जाएगा, बिल्कुल यहाँ पे निशान आ जाएगा, यहाँ पे निशान नहीं है। तो मोहित भाई ने इसके साथ ही आपको पूरा डाउट क्लियर कर दिया कि भाई आपको कैसे पता चले कि कोई चीज आपकी आपकी वीडियो में से बिल्कुल दिखाते नहीं, दिखाते नहीं है, मेरा इतना कोई रोल नहीं है, कवर दिखा बेटा बंद कर दो। सो गाइस ये देख सकते हैं, देखो ये कवर है अपने, ठीक है, ये चेक कर लो भाई, बिल्कुल एकदम, और मैं बोलता हूँ भाई ये पेंटेड नहीं है, जेन्युइन पेंट है, पेंटेड नहीं है, आपको इन केस डाउट हो रहा हो। पेंटेड का देखो भाई मेरे को इतना ज्यादा नहीं पता, बट हाँ थोड़ा बहुत तो यहाँ पे भी लगे हुए, मतलब पेंटेड ये चीज आ नहीं सकती, आ नहीं सकती, मेरी तो कोई औकात नहीं। सो गाइस ये देख सकते हो भाई ये एकदम अपना जेन्युइन है, यहाँ पे जो कवर है एंड ये अपना दूसरा कवर है, तो भाई ये दोनों OEM है, एकदम जेन्युइन है, यहाँ से आपको दिख रहा होगा। तो अब जो है ये लगेंगे अपनी गाड़ी में और उसके बाद शीशा दिखा। सो गाइस ये है नेक्स्ट पार्ट, क्या है ये टुकड़ी बोलते हैं, सो गाइस बेसिकली ये टुकड़ी है, शीशा होता है, जेन्युइन बिल्कुल 100% ब्रांड न्यू, 100% जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं होगा ये, इधर क्रोम नहीं होगा, ठीक है, तो ये लाल रंग का होगा अंदर से, अच्छा ये पहचान होती है इसकी, हाँ ये पहचान। सो गाइस मोहित भाई ने बता दी कि ये अगर जेन्युइन नहीं होगा तो लाल कलर का होगा, और यहाँ पे क्रोम देख सकते हो आप, इसका मतलब भाई एकदम ये जेन्युइन है, कल चेक करा लेना हिंदुस्तान में ले जाके छाती फाड़ के। सो गाइस इससे बड़ी क्या आपको अश्योरेंस ही होगी, कहीं पे भी जाके चेक करा लो भाई कि जेन्युइन है या नहीं है, सारे कलर हैं A to Z, अच्छा मतलब सभी गाड़ियों के मिलेंगे, सब गाड़ियों के कलर हैं, सिर्फ वाइट नहीं भाई आपके पास, नीली पीली हरी जो भी है, मेरे पास ब्लैक भी है, ब्लैक भी है। सो गाइस ये देख सकते हैं भाई आपकी जेन्युइन चीज हो रही है, सारा जेन्युइन काम हो रहा है अपनी गाड़ी में। ये इसका पार्ट नंबर है कृष्णा इसी जैक की, ठीक है, कृष्णा इशिजा की। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई दोनों एकदम सेम है, मतलब जेन्युइन जो हो रहा है भाई सारा अपना काम जेन्युइन हो रहा है, एकदम OEM वाला काम हो रहा है। मैंने आपके सामने इसलिए दिखा दिया लूज पार्ट में कि आपको एक वीडियो बनानी है और दुनिया को दिखाना है बिल्कुल कि नया है, जेन्युइन है, जेन्युइन नहीं है, कि काम क्या हो रहा है, सही बात, काम क्या हो रहा है। तो गाइस अब जो है लगना स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद में जितने साइड मेरा फोल्ड मैंने करे है ना, शायद ही दिल्ली में किसी ने करे होंगे, बच्चे हेडलैम्प भी, हेडलैम्प का तो भैया गरीब आदमी हूँ मैं, सब कॉपी कर ही लेते हैं, इसका 10,000 रुपये रेट कर दिया नए साइड मिरर का, तो कमाल, लाओ बच्चों लाओ ढूंढ के लाओ 10,000 रुपये में लाओ ढूंढ के। सो गाइस ये देख सकते हो भाई सारा अपना जो काम है ओमकार एसेसरीज मोहित भैया करने लग रहे हैं, तो अब एक बार लग जाते हैं उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। यह और लिया। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो भाई अपनी जो गाड़ी है उसके लुक्स बदल चुके हैं एकदम, साइड फोल्डिंग जो मिरर्स हैं भाई वो लग चुके हैं, एंड इधर से और दिखा दूँ एक बार,
तो यहाँ से आपको अंदाजा पड़ेगा। मोहित भाई लुक्स बदल जाते हैं ना गाड़ी के, आप बताओ, मैं तो कहूँगा आप बताओ आपकी गाड़ी के लुक बदल, एकदम बदल गए, मतलब कोई बात बता दो, कोई पेंट वेंट सामान तो बिल्कुल एकदम। अरे तो गाइस आप एक चीज दिखा सकते हो, मेरी गाड़ी थोड़ी सी गंदी हो रही है अभी, स्टिल मैं आपको दिखा दूंगा भाई। यहाँ से आप देख सकते हो भाई, ये पेंट है, आपको इसमें एक कोट दिख रही होगी जिसको हम मेटलिक भी बोलते हैं, क्रिस्टल बोलते हैं बेसिकली, पर्ल वाइट बोलते हैं, पर्ल वाइट। और अब मैं इसमें सेम चीज आपको दिखाऊं, ये देख सकते हैं। सो गाइस सेम जो क्रिस्टल है यहाँ पे भी आ रहे हैं, आपको दिख रहे होंगे। सो गाइस ये भाई बाहर से पेंट नहीं है, ओईएम पेंट है एकदम, जो अपना ओईएम पेंट नहीं, ओईएम ये ही पार्ट है सारे के सारे, आपको मैंने पहले दिखाई दिए थे इंडिकेटर्स इसमें यहाँ पे आते हैं जो कि ग्लो करेंगे। एनीवेज अब जो है एक बार इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है उसके बाद मैं दिखाता हूँ इसकी फंक्शनिंग। सो गाइस फाइनली अपनी गाड़ी में लग चुका है, इसका पूरा रिव्यू तो मैं आपको कल दिखाऊंगा। एक भाई हो गए ना इसके बराबर में आवाज सुना दो। सो गाइस मोटर की आवाज की भी मेरे बहुत भाई बोल रहे थे कि भाई मोटर में आवाज आती है नहीं, अब सुन सकते हैं आप। सो गाइस देख सकते हैं कि भाई मैं भी साथ साथ बोल रहा हूँ, इनकेस अगर आपको लग रहा हो कि मैंने ये आवाज़ म्यूट कर दी हो पीछे से, तो भाई ये सुन सकते हो कोई भी जो आवाज़ नहीं आ रही है। और पास ले जाता हूँ तो भाई एकदम सुपर साइलेंट है जो अपने ये हैं, और इंडिकेटर्स देख सकते हो भाई कितने अमेजिंग जो है फील हो रहा है। एंड फेंडर वाला जुगाड़ भी बहुत जल्दी होने वाला है, बट हाँ वो वाला नहीं होगा। नहीं नहीं ठीक है सर, देखो फेंडर वाला तो हो जाता था, अब फेंडर का एक बात बताऊँ आपको, आज ये अपना जेनुइन पेंट का फेंडर है, बिल्कुल कलर में मैच हो। अगर आप इसको चेंज कराओगे ना, बिल्कुल जो ओएम पेंट है ना, बिल्कुल वो किसी का बाप भी नहीं दे सकता, मैच हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता, बिल्कुल। चाहे मारुति से करा लो, बिल्कुल मारुति किसी भी डीलर से करा लो, बिल्कुल जो मारुति प्लांट से गाड़ी निकली है ना, बिल्कुल वो दोबारा चीज आ नहीं सकती है, बिल्कुल। और ऐसा जुगाड़ कर देंगे इसमें फेंडर कोई चेंज नहीं कराएगा अर्थ भाई, बिल्कुल। और भैया कितने की इन्वेस्टमेंट है, कम से कम मैंने मारुति के शोरूम पूछी थी तो 13,000 रुपये बोले थे वो, कि 13,000 रुपये लगेंगे चेंज करवाने के इसके, ठीक है। और वैसे आपने बताया कि भाई कोई भी चेंज क्यों कराएगा, और एक छोटा सा एग्जांपल और मैं देता हूँ आपको, मान लो कार 24 पे मैं गाड़ी लेके जाता हूँ मेरी चेक कराने के लिए, तो यहाँ पे रीपेंटेड आएगी गाड़ी, एक्सीडेंटल में आ जाएगी दोनों तरफ से साइड फेंडर, एक्सीडेंटल में आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। सो गाइस इंडिकेटर के लिए मैं सोचता हूँ फेंडर चेंज कराना बेवकूफ बनती है, बिल्कुल। आप भाइयों एक बार बताना ईमानदारी से कमेंट करके, आपको ओमकार इतनी बातें कर रहे हैं, आप चेंज कराओगे फेंडर अपना, कोई नहीं चेंज कराएगा, बिल्कुल कोई नहीं कराएगा। कमेंट सेक्शन में लिख के बताएगा इसकी, एक सिर्फ इस इंडिकेटर के लिए, इसमें हम लोग ऐसी चीज करने वाले हैं आप खुद देख के बोलेंगे कि भाई हाँ आप लोगों ने चीज करो, हाँ मात्र 500 रुपये में आपको पता चल जाएगा क्या कुछ होगा, और आप देख के हैरान हो जाएंगे क्या हो गया ये, बिल्कुल। एनीवेज अभी फेंडर की बात नहीं करते। सो गाइस कल जो है मैं इसके अपने जो साइड फोल्डिंग मिरर्स हैं वो मैं आपको मतलब अपनी बलिनो के साथ कंपेयर करके दिखाऊंगा, बिकॉज बलिनो जो है मेरा अल्फा वेरिएंट है एंड ये रहा अपना LXi, तो इनकेस मेरे भाई के किसी भी मन में डाउट हो कि भाई OEM नहीं है ये तो आप उसकी आवाज़ में सुनाऊंगा और इसकी आवाज़ सुनिएगा। एंड भैया बलिनो में भी थोड़ी आवाज़ आती है, पता है मोटर में हल्की सी आवाज़ आती है, मेरे को नहीं पता क्यों आती है, बट हाँ हल्की सी आती है पुरानी इस वजह से। सो गाइस उसके में आती और फिर कुछ अपने में फेसलिफ्ट वाले लगे हैं, तो हाँ पुराने भी हो गए। सो गाइस ये दो मेजर रीजंस हैं। एनीवेज कल मिलते हैं डायरेक्टली, और मोहित भैया का नंबर स्क्रीन पे फ्लैश कर ही रहा होगा, आप जाके जो है मोहित भैया से कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। भैया सभी गाड़ी के मिल जाते हैं अपने पास, सब गाड़ी के हो जाते हैं, पुराने तो दुनिया बेच रही है लेकिन मैं पुराने नहीं बेचूंगा, बिल्कुल कसम खाली मैंने पुराने साइड में, नहीं बेचेंगे बिल्कुल। तो कस्टमर को एक बार लगा दिया, जब तक गाड़ी टूटेगी नहीं जब तक खराब नहीं होगी, राज्य रहेगा। और हेडलैम्प का भी यही सीन है, हेडलैम्प का भी यही सीन है, हेडलैम्प का तो भैया बोलेगी पूरी कृपा ही है, पुराने बेचने नहीं है, पुराने बेचने नहीं बेचने बोलेगी कृपा। सो गाइस दूसरी चीज एक और बता दूं, इन केस आपके मन में होगी भाई इसमें वारंटी गारंटी मिलती है तो नहीं मिलती, रीजन उसका क्या है भाई, देखो ये जो चीज है मैकेनिकल से ज्यादा एक्सीडेंटल खराब होती है ना, ये साइड मिरर लगेगा तो खराब होगा ही, ऑब्वियसली बात है। हाँ ये हेडलैम्प्स की वारंटी ऐसी बात है भाई, अगर ये ठुकेगी तो जरूर खराब होगी, टूटेगी मतलब, हाँ टूटेगी, पर ये टूटते नहीं है, इसकी मोटर ही अंदर से फेल हो जाती है, हाँ अंदर से फेल हो जाती है। हाँ इनमें इलेक्ट्रिकल में आपको कोई दिक्कत आ जाए, मतलब DRL VRL बंद हो जाए, हेडलैम्प बंद हो जाए, तो उसके में मोहित भैया हेल्प करते हैं पूरी, है ना। DRL बंद हो जाए, प्रोजेक्टर बंद हो जाए या लीक कर जाए, मेन फॉल्ट है लीक करना, लीक कर जाए, है ना, लीक कर जाए तो भाई बैठा है आपका। सो गाइस यहाँ पे इतनी बड़ी बात बोल दी है मेनली मेरा, हाँ एक चीज और मैं क्लियर कर दूं भाई इस वीडियो में अपनी, कि मोहित भैया मेरे से कई नीचे कमेंट कर रहे थे कि भाई आपने जो प्रोजेक्टर फॉग लैंप है ये मोहित भैया से क्यों लगवाए, तो मैं रीजन दे देता हूँ कि भैया के पास OEM थे, ये लगाते भी नहीं और OEM थे आपके पास, है ना,
बिल्कुल। सो गाइस OEM मैंने इसलिए लगा बिकॉज मेरे को भी OEM लगवानी नहीं थे और भैया आईपैच वाले नहीं लगाते, तो यहाँ पे बस वो हो गया था थोड़ा और उसके अलावा कुछ नहीं था। एनीवेज भाई अपनी जो द एक्स है वो क्या क्या बनने वाली है वो तो मैंने मोहित भैया पे छोड़ दिया कि भाई मेरी नहीं आपकी गाड़ी है, गाड़ी तो हमारी आई भैया, वही तो मैंने दी थी आपको लाने की। तो ये चीज़ है कि अब जो जो चीज़ें आएंगी वो आपको पता चलता रहेगा और ऐसी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, अगेन बोलूंगा भाई सोची भी नहीं होंगी। एंड मिलते हैं नई वीडियो में, तक ले बाय, धन्यवाद। तो भाई ये लगा लिया अपने अपने साइड फोल्डिंग जो मिरर्स हैं, इनके बारे में आपको हर्ष ब्लॉग्स वाले डिटेल वीडियो मिलेगी, बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। तो भाई ये दिखाता हूँ मैं आपको कैसे फंक्शन करते हैं प्रॉपरली, क्या कुछ करते हैं। एंड अपना सेम गोज विद दैट साइड, अगर मैं इधर की बात करूँ तो यहाँ से आप देख सकते हो भाई आपके भाई ने जो है ये लगा लिए हैं साइड फोल्डिंग मिरर्स, बहुत ज़्यादा अल्टीमेट है। सबसे बड़ी बात है देखो अभी दिन का टाइम है, दिन के टाइम में आप देख सकते हो कलर डिफरेंस नहीं है, दोनों जो है एकदम सेम है बिकॉज ये OEM है, बिकॉज ये जेन्युइन है। एंड आज ऐसी ऐसी बातें आपको पता चलने वाली हैं किस में अपने वीडियो में, जिससे आपको मतलब पता ही चल गए होंगे अगर आप ये बाद में पार्ट देख रहे हो, पहले पार्ट देख रहे हो तो अलग, और ये एडजस्ट भी हो जाता है। तो इन ब्लाइंड फोल्ड मिरर्स के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। एंड ये जो आप देख रहे हो ना इसके पीछे रीजन ये है कि भाई जब ये पॉलिश करता हूँ तो लग जाते हैं। एनीवेज अब चलते हैं भाई हम अंदर की साइड और मैं आपको दिखा देता हूँ सारा। तो ये जो हॉर्न खुलने पे बीप बीप की साउंड है, इनकेस अगर आपने नहीं अभी तक देखी वीडियो तो हर्ष ब्लॉग्स हर्ष चौहान वाले पे जाके देख लीजिए। तो भाई ये रे वो स्विच जिसकी मैं बात कर रहा था, इसको मैं थोड़ा सा एक बार पीछे कर देता हूँ एंड ये थोड़ा सा लूज रहेगा अपना, टाइट हो गया। एनीवेज ये रे भाई वो स्विच जो आपके साइड फोल्डिंग मिरर्स हैं उन पे प्रॉपरली मतलब उनको वर्क करवाते हैं। तो आप मान लीजिए एक बार इसके लिए आपको ऑन करना पड़ता है, ये अपन ने ऑन कर लिया ठीक है, यहाँ से ये ऑन हो चुका है। तो अब ये देखो ये है खुली स्टेज में ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ से दिखाऊँ अभी है खुले ठीक है, यहाँ से अभी दिख रहा होगा आपको ये खुले हैं बेसिकली। तो इसको जो है आपको अगर अपने जो मिरर्स हैं उनको बंद करना है तो इसको आप ऊपर कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ये जो है ये मिरर्स। ओके सो एक बार मैंने ऑन नहीं करी गाड़ी, अब ऑन हुई है ठीक है। सो भाई अब जो है अगर आपको ऊपर करना होगा तो आप इसको ऐसे करेंगे तो ये बंद हो गया ठीक है, अब ये खुल चुके हैं, वापस देखो ये बंद हो चुके हैं, खुल चुके हैं, अगेन प्रॉपरली वर्क कर रहा है ठीक है। अब भाई लोग अभी आप ये सोच रहे होगे कि भाई ऐसा क्यों मैंने बोला कि ओनली वन इन इंडिया है और अभी तक किसी गाड़ी में नहीं, तो भाई आप लोग एक बार स्पीड नोटिस करिएगा कितनी जल्दी जो है ये मिरर्स बंद होते हैं, वो देख सकते हैं कितनी जल्दी जो है खुल रहे हैं, कितनी जल्दी जो है बंद हो रहे हैं, वापस क्यों। तो भाई ये रीजन है कि ये इतनी जल्दी खुलते हैं बंद होते हैं। सेकेंड चीज मैं बताऊं भाई इनमें जो है आपको नॉइज बिल्कुल भी नहीं आएगी, मैं अगर खोल के दिखा दूं आपको, तो देख सकते हैं भाई एकदम सुपर साइलेंट जो है अपने यहाँ पे रहने वाले। नेक्स्ट चीज मैं आपको बताऊं कि एडजस्ट किससे होते हैं। तो भाई अगर मान लीजिए आपको देखो ऊपर बटन दिख रहे होंगे यहाँ पे L फॉर R, मतलब अगर आपको लेफ्ट वाला अंदर से एडजस्ट करना है तो आपको L पे दबाना होगा, राइट वाला एडजस्ट करना है तो राइट पे दबाना होगा। एनीवेज अब मैं आपको एडजस्ट भी करके दिखा देता हूँ, सपोज कीजिए मैं ये वाला दबा रहा हूँ तो आप वो देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं ये प्रॉपरली जा रहा है उधर, एक्सट्रीम जा चुका है। अब मैं अगर इसको इधर करूंगा तो इधर भी आ रहा है वापस, ये देख सकते हैं, नीचे की तरफ करता हूँ तो नीचे की तरफ जा रहा है, इस तरफ करता हूँ तो इस तरफ जा रहा है। तो प्रॉपरली जो है अपनी एडजस्टिंग भी वर्क कर रही है, सब कुछ जो है भाई वर्क करने लग रहा है, आपके सामने मैंने दिखा दिया सारा। एंड सारा काम OEM होगा, आपने वीडियो में देख ही लिया होगा। और ये जो मिरर्स है ना वो मिरर्स हैं जो अपनी जापान वाली स्विफ्ट है उसमें आने वाले हैं, फेसलिफ्ट जो अपनी स्विफ्ट है उसमें आने वाले हैं। तो अपने स्टार्टिंग में काम ही करवा दिया ठीक है, हेडलैम्प में तो दिखाई देता। एंड भाई शीशा टूट चुका है, हर्ष चौहान वाले चैनल पर पूरी वीडियो डाली है इसकी शीशा टूटने की, तो वो भी जाके जो है चेकआउट कर लीजिएगा।